स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो आज का जो हमारा करंट अफेयर्स का जो इशू है वो है सोलोगैमी के ऊपर, जिसको ऑटोगैमी भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मतलब अगर कोई इंसान खुद से शादी करता है तो उसको सोलोगैमी कहा जाता है। तो रिसेंटली ये न्यूज़ उसमें थी, चर्चा में थी, तो हम इस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये जो आपको सोलोगैमी का टॉपिक है, ये जहाँ पे भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, ये वहाँ पे पूछा जा सकता है जहाँ पे आपके सिलेबस में इंडियन सोसाइटी या सोशल इश्यूज मेंशन हो वहाँ पे। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, सोलोगैमी इंडियन वुमेन मैरी हरसेल्फ स्पार्क्स डिबेट। तो ये चीज़ न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि एक 24 साल की एक लड़की है जो कि वडोदरा में रहती है, जिसका नाम है क्षमा बिंदु। उसने क्या किया है कि 11th ऑफ जून को उसने मतलब खुद से शादी कर ली है। और ये जो शादी थी, इसमें मतलब जो इंडियन वेडिंग होती है उसके सारे फीचर्स थे, मतलब प्रॉपर फेरे लिए गए। और लड़की ने डिसाइड किया है, क्षमा बिंदु ने डिसाइड किया है कि वो शादी के बाद गोवा में हनीमून मनाने जाएगी। मतलब जो भी इसमें जो इंडियन वेडिंग में जो जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इसमें था, बस सिर्फ एक जो बारात थी, एक तो वो नहीं आई थी, दूसरा इस शादी में जो दूल्हा था वो नहीं था। उसके अलावा ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हो, इसके प्रॉपर सर्कुलेट हुए थे, प्लीज ज्वाइन अस फॉर द वेडिंग, जो इसके वेडिंग कार्ड्स थे वो प्रॉपर सर्कुलेट किए गए थे। और क्षमा बिंदु का नाम आप इसमें देख सकते हो। और उसके अलावा जो क्षमा बिंदु है उसका कहना है कि आई नेवर वॉन्टेड टू गेट मैरिड, बट आई डिड वॉन्ट टू बिकम अ ब्राइड, सो आई डिसाइडेड टू मैरी माई सेल्फ। उसके साथ क्षमा बिंदु कहती है कि मतलब जब उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद से शादी करेंगी, तो उसके ऊपर उन्होंने प्रॉपर रिसर्च की, और उसके बाद उसने अपने पेरेंट्स को मनाया, और जिस बात के लिए उसके पेरेंट्स मान गए। और जब उसके डिसीजन के बारे में क्षमा बिंदु से पूछा गया, तो वो कहती है कि सेल्फ मैरिज इज अ कमिटमेंट टू बी देयर फॉर योर सेल्फ एंड अनकंडीशनल लव फॉर वन सेल्फ, इट इज ऑल्सो एन एक्ट ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस, पीपल मैरी समवन दे लव, आई लव माई सेल्फ एंड हेंस दिस वेडिंग। अब देखते हैं कि जो सोलोगैमी होती है वो होती क्या है असल में। तो आपको इसके ऊपर ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा बनता नहीं है, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन बनना होगा तो वो यही बन जाएगा कि सोलोगैमी करके आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या होती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं सेल्फ मैरिज, या फिर आपसे सोलोगैमी का अनदर नेम पूछा जा सकता है, वो है ऑटोगैमी। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको सेंटेंस बना देंगे कि खुद से शादी करने को क्या कहते हैं इसमें इंडियन सोसाइटी या इसमें टर्म में सोसाइटी टर्म में खुद से शादी करने को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सोलोगैमी या फिर ऑटोगैमी। तो अब देखते हैं सोलोगैमी के बारे में। सोलोगैमी और सेल्फ मैरिज और ऑटोगैमी इज अ सिम्बॉलिक सेरेमनी वेयर यू कमिट टू मेंटेन अ मीनिंगफुल डीप एंड लविंग रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। इट इज अ बिलीव दैट पीपल हैव नॉट नीडिंग एनीवन, नॉट नीडिंग अनदर पर्सन टू फाइंड हैप्पीनेस, मैनी कॉल इट अ वंडरफुल सेलिब्रेटिंग सेल्फ लव। उसके अलावा कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है, मतलब जब क्षमा बिंदु ने इसको ट्वीट किया तो बहुत से लोगों ने इस पर मीम्स बनाने शुरू कर दिए। उन कुछ लोगों का कहना था कि ये एक सेल्फ अटेंशन सीकिंग का एक वो है, क्राइटेरिया है। तो अब देखते हैं कि ये सोलोगैमी बिल्कुल न्यू है या इससे पहले भी कुछ केसेस हुए हैं। इससे पहले इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं हुआ है, लेकिन फॉरन में 1993 में एक अमेरिकन वुमेन थी जिनका नाम था लिंडा बेकर, उन्होंने खुद से शादी की थी। इसके कुछ आगे जाके मैं आपको एग्जांपल्स भी बताता हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो है लिंडा बेकर, और जो राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो उनका नाम है सोफिया टैनर। और उसके अलावा एक और मॉडल हुआ करती थी जिन्होंने सोलोगैमी से खुद से शादी कर ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उनकी लाइफ में कोई इंसान आ गया, तो वो 90 दिनों बाद उन्होंने खुद को ही डाइवोर्स देके
जो इंसान उन्हें मिला था उससे शादी कर ली। ये जो मॉडल थी इनका नाम था क्रिस गैलरा। ये यहाँ पे आपको क्लियरली शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जो मैं आपको नोट्स भेजूंगा वहाँ पे आपको ये अच्छे से दिख जाएगा। अब देखते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे जो सोलोगैमी है वो लीगल है कि नहीं है, क्योंकि पीसीएस जुडिशरी का एग्ज़ाम आने वाला है तो उसमें जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा आपका, मेंस का एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे इसमें सवाल पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं, बिग क्वेश्चन इज सोलोगैमी लीगल? तो देखते हैं, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 स्टेट्स द कंडीशंस फॉर वैलिड मैरिज। वो कहते हैं कि जो सेक्शन 5 है हिंदू मैरिज एक्ट का 1995 में, वो ना कुछ कंडीशंस ले डाउन करता है कि जो मैरिज होगी वो कब वैलिड मानी जाएगी। उसमें जो कंडीशंस हैं वो देखो, नन ऑफ द पार्टीज हैव स्पाउस लिविंग एट द सेम टाइम ऑफ द मैरिज। मतलब कि दो लोगों की शादी तभी हो सकती है अगर उनकी पहले कहीं शादी ना हुई हो। अगर मान लो शादी हो चुकी हो तो या तो उनका स्पाउस की डेथ हो गई हो या फिर उनका डाइवोर्स हो गया हो, ठीक है, उसके बाद वो शादी कर सकते हैं। उसके बाद जो वो शादी होगी उसको लीगल माना जाएगा। लेकिन अगर किसी इंसान की एक शादी हो चुकी है और वो दूसरी शादी कर लेता है तो वो जो दूसरी शादी होगी उसको लीगल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी शुड बी इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब कि जो शादी होती है वो जो होती है वो ना मतलब आपकी मर्जी से होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान जो अपने अनसाउंड माइंड में हो वो शादी कर ले तो, या फिर उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाए तो उसको लीगल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर टू एन एक्सटेंट टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड। अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है और वो अनफिट है मैरिज के लिए या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड के लिए, तो अगर उनकी शादी करवा दी जाती है तो वो शादी भी लीगल नहीं होगी। नेक्स्ट, सब्जेक्टेड टू रिपीटेड अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। अगर किसी को बार बार अटैक्स आते हो तो उसकी शादी भी इलीगल होगी। नेक्स्ट, द ब्राइड रूम मस्ट बी 21 ईयर्स एंड अबव एंड द ब्राइड मस्ट बी 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, ये तो सबको पता होता है कि जो लड़का होता है उसकी शादी की एज 21 साल होती है और जो लड़की होती है उसकी मिनिमम एज 18 होती है। नेक्स्ट, पार्टी शुड नॉट बी इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। मतलब जो पार्टीज होती हैं, मतलब जो शादी कर रहे होते हैं, वो आपस में भाई बहन नहीं होने चाहिए। उसके अलावा, पार्टीज आर नॉट सपेंडास टू ईच अदर। मतलब जो उनकी ब्लड रिलेशन नहीं होनी चाहिए, इसमें फादर साइड से 5 जनरेशन तक नहीं होनी चाहिए ब्लड रिलेशन और मदर साइड से 3 जनरेशन तक। पर एज सच इतना इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता, मतलब इसको इतनी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता। ये जो लास्ट वाला आपका पॉइंट था ना, शादी करवा दी जाती है। तो जो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और जो हमारे वेरियस कोर्सेज हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो PPSC एग्जाम्स निकाल रही है उसके हमने कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, तो आप उसमें एनरोल करने के लिए इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो आज की क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।